पूर्णिया में कैंसर दिवस के मौके पर साइकिलिंग एसोसिएशन की टीम ने कैंसर से रोकथाम और बचाव के प्रति जागरूकता के लिए 400 किलोमीटर की साइकिल यात्रा निकाली। यह साइकिल यात्रा पूर्णिया जीएमसीएच से निकलकर सिलीगुड़ी तक जाएगी, जो साइकिलिंग के साथ साथ आम लोगों को कैंसर से निजात पाने के लिए जागरूक करेंगे एवं इसके साथ साथ वृक्षारोपण भी करते जाएंगे। इस अवसर पर पूर्णिया सिविल सर्जन सदर SDPO डॉक्टर देवीराम नंद किशोर सिंह, रूबी कुमारी चंद्रवंशी, समाज सेवी व कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। इस मौके पर वरिष्ठ जनों के द्वारा साइकिल यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। वहीं चिकित्सक डॉक्टर देवीराम ने कहा कि कैंसर दिवस के मौके पर साइकिलिंग एसोसिएशन की ओर से सिलीगुड़ी तक साइकिल यात्रा निकाली गई है, जो लोगों को कैंसर से बचाव और रोकथाम के लिए जागरूक करेंगे। साथ ही रास्ते में विभिन्न जगहों पर वृक्षारोपण करते जाएंगे। अगर लोग जागरूक होंगे तो समय रहते कैंसर का इलाज संभव हो पाएगा। मैं सबसे पहले तो ये जो बच्चे और बच्चियाँ ये साहसिक कदम उठा रही हैं और उठा रहे हैं कि आज ये सिलीगुड़ी जाएंगे और परसों सुबह तक पूर्णिया आ जाएंगे, और इस साहसिक कदम के पीछे उद्देश्य है कैंसर के प्रति जागरूक करना। कैंसर नहीं हो उसके क्या क्या उपाय हैं, अगर किसी को शंका हो और हो तो अर्लियर इट इज़ बेटर इट इज़, मतलब जितनी जल्दी डायग्नोसिस हो उसका इलाज भी संभव है। ये जो लोगों के दिमाग में बैठा हुआ है कि कैंसर लाइलाज है, ये गलत है। बहुत तरह के कैंसर हैं, ब्लड कैंसर, स्किन कैंसर और अर्ली स्टेज में और सारे कैंसर, जिसका कि समय पर डायग्नोसिस होने से उसका इलाज हो सकता है। तो मैं इस टीम को बधाई देता हूँ, इनके यात्रा की अच्छी यात्रा की कामना करता हूँ और इससे मैसेज चारों तरफ फैले ये भी चाहूँगा। धन्यवाद।